हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? ठीक है, तो आज मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ कि इनांशियोमर्स और डायस्ट्रियोमर्स में क्या डिफरेंस होता है। सो इनके जो पॉइंट्स है और सिमिलर है, बस थोड़ा ऑपोजिट पॉइंट्स है। बहुत उतने हार्ड नहीं, बहुत इजी है पॉइंट्स, आप पढ़ सकते हो इनसे खुद से। सो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, इनांशियोमर आपको पता ही होगा कि वो ऑप्टिकल आइसोमर्स है और जो नॉन सुपरिम्पोजिबल रिएच होते हैं एक दूसरे के। जैसे नॉन सुपरिम्पोजिबल बोलते हैं मतलब उनका मिरर इमेज रहता है और उनका जो, और जैसे हम लोग नॉन सुपरिम्पोजिबल मतलब हम लोग का दो हैंड रहते हैं जो एक जैसे ही रहते हैं, बट उनका मिरर इमेज रहेगा वो नॉन इम्पोजिबल रहेगा, मतलब दोनों साइड से डिफरेंट रहेगा। उसके लिए हम लोग उसको बोलते हैं इनांशियोमर, मतलब उनका इमेज डिफरेंट होगा। अब ठीक है, जैसे कि आपको ले आपको एग्जांपल दिखा सकते हैं। जैसे ये रहा, ये हम लोग टार्टरिक एसिड का देख रहे हैं, तो ये इसका मिरर इमेज है, आप देख सकते हैं इसका मिरर इमेज है। अब हम इसको अगर इस जो एल वाले को हम अगर डी के ऊपर डालेंगे तो क्या ये इम्पोज करेगा? नहीं करेगा, देखो, क्योंकि नीचे OH है ऊपर OH है, तो ये नहीं करेगा। और ये इधर H है उसके ऊपर OH जाएगा, तो ये कैसे होगा? तो ये दोनों इम्पोज नहीं करते, इसको बोलते हैं हम लोग नॉन सुपरिम्पोजिबल। और इसका पहला पॉइंट है कि ये ऑल्सो नॉन सुपरिम्पोजिबल है, मतलब ये भी इम्पोज नहीं करता, बट देर आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, मतलब ये मिरर इमेज बनाता है। ठीक है, अब देखो, हाँ ये देखो, ये तो मुझे टार्टरिक एसिड है, इसका हम लोग ये इसको मिरर इमेज समझेंगे, जो बीच है इसको ये मिरर रहेगा हम लोग का, और इन दोनों को मिरर इमेज है। बट ये दोनों देखो, हम लोग ऐसा डालेंगे तो ये इम्पोज तो बिल्कुल नहीं करेगा, बट इन दोनों के मिरर इमेज नहीं होंगे। सेकेंड पॉइंट, मॉलिक्यूल्स इवन विथ वन कायरल कार्बन एटम्स हैव इनांशियोमर्स। ठीक है, मतलब एक ही कार्बन से हम लोग इनांशियोमर को डिफाइन कर सकते हैं। सॉरी, ये इनांशियोमर का एग्जांपल नहीं है, पे गलत है, बट इसे दो कायरल कार्बन होगा, हम लोग बस एक ही कायरल कार्बन लेंगे, क्योंकि एक ही कायरल कार्बन तो इनांशियोमर बन सकता है। ठीक है, तभी उसका इमेज इमेज उससे बनेगा। और देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू, देयर मस्ट एटलीस्ट टू कायरल कार्बन टू शो डायस्ट्रियोमर्स। दे रोटेट द प्लेनर पोलराइजेशन लेड बाय सेम अमाउंट इन अपोजिट डायरेक्शन। दे मे रोटेट द प्लेनर पोलराइजेशन लेड बाय डिफरेंट अमाउंट इन डिफरेंट डायरेक्शन फॉर बोथ। दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब इनका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सेम, सब सेम रहते हैं। और इनके जो डिफरेंस रहता है फिजिकल पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एक्सेट्रा, सब और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे, तो के सेम केमिकल रिएक्टिविटी भी रहता है, बट डिफरेंस रहता है रेट ऑफ रिएक्शन में जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड रहते हैं उनके बीच, तो स्लाइट इसका डिफरेंस रहता है एंड रिएक्शन विद ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और हाँ, ये केमिकल इस केमिकल रिएक्शन से डिफरेंस सेपरेट नहीं होते थे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, आपको आगे शायद रहेगा तो आप उसको आपको समझ में आएगा कि ये क्यों रहता सेपरेट, और इसमें सेपरेट होता है, मतलब हम लोग रिपीट करेंगे तो सेपरेट होगा। तो ये है डिफरेंस इनांशियोमर और डायस्ट्रियोमर में।